तो स्नो मैदान कहाँ पे जाता था, किचन में जाके क्या कर रहा था, उसको मम्मी को क्या कर रहा था, हेल्प करता था। तो वो ओल्ड लेडी बोलता था टोल हर नेवर नेवर टू नेवर गो टू द किचन्स। तो उसको बोलता था मत जाओ किचन में, मत जाओ एंड नियर द फायर इन द किचन। और क्या आग किचन में क्या होता था, आग जला हुआ था है कि नहीं, तो वो क्या हुआ है, वो बर्फ से बना हुआ है। तो उसको लेडी बोलता था तुम किचन में मत जाओ क्योंकि वहाँ पे क्या है, फायर है, आग है कि नहीं। तो वो आग के सामने से जाने से क्या होगा, वो पिघल जाएगा कि नहीं, हाँ वो मेल्ट जाएगा, इसीलिए उसका लेडी बोलता था मत जाओ, उसको मना करता था नेवर गो नियर फायर इन द किचन क्योंकि वो बर्फ से बना हुआ है कि नहीं। So where there were others girls living in the place nearby and snow maidens made friends with them. तो उसी गांव के पास क्या करता था, एक गांव में छोटा छोटा लड़के लोग रहता था उन लोग भी। तो स्नो मैदान ने क्या किया, वो स्नो वो बर्फ़ से बना हुआ लड़की ने क्या किया, उसको उस लड़की के साथ खेलने लगा, उसको फ्रेंड्स बनाया है कि नहीं। तो दे प्ले टुगेदर, वो लोग साथ में खेलता था एंड दे पिक वाइल्ड फ्लावर्स एंड सैंग एंड डांस इन द वुड्स। तो वो लोग क्या करता, साथ में खेलता था, वो स्नो मैदान भी खेलता है और वो बाकी वो लड़की है छोटा छोटा गांव में, एक साथ वो लोग क्या क्या खेलते थे देखो, वो लोग फ्लावर लाते थे, सांग गाना भी गाता है, सांग सेंग एंड डांस इन टुगेदर्स एंड। और क्या, और एक दिन क्या हुआ, ऐसे करके वो लोग बहुत हैवी में रहता था। वन डे इट वॉज वेरी कोल्ड, एक दिन क्या हुआ, बहुत ठंडा हुआ क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा गिरने लगा है वहाँ पे और बहुत ठंडा हो गया। तो क्या हुआ, द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज प्लान टू मेक ए बॉनफायर टू बीट द कूल। तो बाकी जो स्नो मैदान का फ्रेंड्स था कि नहीं, तो उस फ्रेंड ने क्या किया, उस दिन उन्होंने बॉनफायर किया, एक लकड़ी क्या क्या लकड़ी ला के उन लोगों ने क्या क्या आग जलाया वहाँ पे सामने है कि नहीं, फील्ड पे। तो क्या किया, दे कलेक्ट ड्राई ट्विग्स एंड फिल देम अप, कम एंड जॉइन अस, दे कॉल आउट द स्नो मैदान्स। और आग लगा के क्या क्या उन लोगों ने स्नो मैदान को बुला रहा है पास में। तो बट ऑफ कोर्स स्नो मैदान वुड नॉट गो नियर द पाइल ऑफ द ट्विग्स, वो क्या किया, लेकिन स्नो मैदान अभी नहीं जाएगा, जाने के लिए वो मना कर रहा है, उसका फ्रेंड उसको बुला रहा है। क्यों मना कर रहे, क्योंकि अगर वो आग के सामने गया तो क्या होगा, वो तो बिगल जाएगा ना, क्योंकि वो बर्फ़ से बना, वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, नापता हो जाएगा। तो अभी देखो, सी रन अवे एंड हाइड अमंग द बुश इन द वुड्स बट हर फ्रेंड्स फाउंड हर एंड कॉट हर बाय द हैंड्स, दे लाइटेड द बॉनफायर्स एंड क्राउड अराउंड इट। स्नो मैदान टायर टू ब्रेक फ्री बट हर फ्रेंड्स कुड नॉट लेट। तो क्या कर, स्नो मैदान वहाँ से भाग जाने का कोशिश किया, तो उस उन लोगों का फ्रेंड किया गया, वो जाके फिर स्नो मैदान को हाथ में पकड़ कर लेके आ रहा है, आओ हम लोगों के पास, क्या कर रहा है, वो लोग वहाँ पे आग जला के वो लोग वहाँ पर डांस कर रहा है, खेल रहा है, क्योंकि बहुत सारा भी ठंडा हुआ है, मौसम पूरा कूल हो रहा है। तो क्या किया, वो लोग आग जला के लकड़ी लेके आग जला के वो लोग वहाँ पे खेल रहा है। तो स्नो मैदान को भी बुला रहा है, स्नो मैदान नहीं जाएगा। तो भी क्या किया, उन लोग जाके स्नो मैदान को पकड़ के लेके आ रहा है और स्नो मैदान मना कर रहे हैं, वहाँ से भाग रहे। द बोन फायर क्रैक द फोन फायर क्रैकल्ड एंड द स्पेच इट्स वार्म ऑल अराउंड। तो अभी क्या हो, आग तो लग गया, तो क्या हो, पूरा आग इससे आग ला के पूरा धुआं निकल रहा है और सारे तरफ क्या हो रहा, गर्मी होने लगा है। एंड द अदर्स गर्ल्स एंजॉय इट बट स्नो मैदान स्टेप बैक। तो बाकी जो भी था उसका फ्रेंड छोटा छोटा बच्चा, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आग के सामने वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे डांस कर रहे हैं, वो लोग नाच रहा है कि नहीं। तो अभी क्या किया, लेकिन स्नो मैदान वहाँ से भागने का कोशिश कर रहा है। सी हैड बिगन टू मेल्ट। तो क्या हुआ, अभी वो आग जो ज़्यादा ज़्यादा जल रहा है कि नहीं, तो क्या क्या स्नो मैदान पीछे पीछे जा रहा है क्योंकि वो आग का वार्म, उसका आग का क्या, उसका वार्म उसको लग रहा है कि नहीं, गर्मी ज़्यादा लग रहा है। तो स्नो मैदान क्या हुआ, धीरे धीरे वो स्नो मैदान क्या हो रहा है, बर्फ़ क्या होता है, गर्मी लगने से आग का सामने बर्फ़ लाने से क्या वो बग्गा बिगल जाता है कि नहीं, हाँ स्नो मैदान भी ऐसे ही नापत्ता होते जा रहा है थोड़ा। तो क्या क्या, स्लोली बट श्योरली एज द ब्राइट ऑरेंज फ्लेम्स लिफ्ट अप एंड द वर्म्थ रीच नाउ स्नो मैदान सी मेल्ट अवे बीट बाय बीट सी वॉज गॉन
गन फॉर एवर। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग स्नो मैदान को पास में लेके आया, तो वो जो आग का जो वार्म था ना उसको लगने लगा, तो स्नो मैदान धीरे 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 क्या हुआ वो पिघलने लगा, और लास्ट बाद में क्या हुआ एट लास्ट सी वर्ल्ड मेल्ट बाय एंड सी वॉज गन फॉर एवर। वो क्या हुआ बाद में लास्ट में वो वहाँ से नापत्ता हो गया। तो थैंक यू, यस।